भारतीय बाजार इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। कई नई कंपनियों ने अपनी जबरदस्त इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को लॉन्च किया है। इसी को चलते आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं टॉप 3 थ्री व्हील स्कूटर। ऐसी यूनिक स्कूटर आज तक नहीं देखी होगी, तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। कबीरा मोबिलिटी हम सफर इलेक्ट्रिक स्कूटर। देश में अपना नाम कर रही कबीरा मोबिलिटी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर कबीरा हम सफर को पेश किया है। कबीरा कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया इलेक्ट्रिक स्कूटर कई शानदार फीचर और लंबी रेंज के साथ आता है। इसमें 250 वोल्ट की BLDC हब मोटर दी गई है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 1600 WH लेड एसिड बैटरी का प्रयोग किया गया है, जो फुल चार्ज होने पर 90 किलोमीटर तक का रेंज देती है। इसकी बैटरी को चार्ज होने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। आप इस थ्री व्हील को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ा सकते हैं। इस नई इलेक्ट्रिक थ्री व्हील स्कूटर में स्लो चार्जिंग के साथ डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल मीटर, रिमोट स्टार्ट, राइड स्टैटिक्स, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, स्टार्ट बटन, एंटी थेफ्ट एंड SOS, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, लाइव ट्रैकिंग, जियो फेसिंग और हिस्ट्री डिजिटल सिग्नल जैसे जरूरी और साधारण फीचर्स दिए गए हैं। बाजार में इसकी कीमत 55,990 एक शोरूम से शुरू होती है। वहीं सभी टैक्स मिलाकर आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर वन नोट शायद 60,000 या 70,000 में मिल जाएगी। सभी शहरों के हिसाब से इसकी अलग अलग कीमत हो सकती है और इलेक्ट्रिक स्कूटर होने के कारण इस पर सब्सिडी भी मिलेगी। कलर ऑप्शन की बात करें तो ये स्कूटर ग्लोसी व्हाइट, ग्लोसी रेड और मैट ब्लैक जैसे 3 रंगों में अवेलेबल है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इस थ्री व्हील का फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक दिया गया है। चेसिस एंड सस्पेंशन की बात करें तो इसकी फ्रेम को रेनफोर्स स्टील से बनाया गया है। इसके फ्रंट और रियर में स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन दिया गया है। टायर्स की बात करें तो इसके फ्रंट और रियर में 10 इंच के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। OEM दानियू टिल्टिंग थ्री व्हील व्हीकल। चीन की स्टार्टअप कंपनी OEM ने अपने घरेलू मार्केट में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक थ्री व्हील लॉन्च की है। इस थ्री व्हील स्कूटर का डिजाइन बहुत ही अनोखा है। यह 3 पहियों वाला झुका हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इस स्कूटर में इस्तेमाल की गई तकनीक दिलचस्प है और पीछे का सस्पेंशन सेटअप किसी भी प्रकार की सड़कों के लिए अनुकूल है। पीछे के दोनों पहियों में अलग अलग आर्म्स है जो उन्हें इंडिपेंडेंट रूप से चलने में मदद करती है। इसमें सस्पेंशन सेटअप है जो स्कूटर को उबड़ खबर रास्तों पर चलने पर भी सवार को एक आसान सवारी देगा। इस स्कूटर को 60 डिग्री तक लेफ्ट या राइट झुका सकते हो। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 2 लोग आसानी से सफर कर सकते हैं। इसमें काफी कंफर्टेबल सीट दी गई है। इसमें बेबी सीट भी लगा सकते हो। इसमें सीट के नीचे बड़ा स्टोरेज स्पेस दिया गया है जिसमें हेलमेट वगैरह रख सकते हो। इसके अलावा स्कूटर के फ्रंट में बकेट भी दिया गया है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 3-स्पीड ट्रांसमिशन और रिवर्सिंग बटन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 80 वोल्ट की डबल इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। इस इलेक्ट्रिक ट्राई को 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से चला सकते हो। इस थ्री व्हील स्कूटर में 72 वोल्ट 20S की लेड एसिड बैटरी दी गई है जिसे एक बार फुल चार्ज करके 60 किलोमीटर तक नॉनस्टॉप राइड ले सकते हो। ब्रेक सिस्टम की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के 3 टायर में डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। ट्रिगो BX फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर। बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी आइगो वाइज मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर जानकारी दी है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर ट्रिगो BX4 को इंडियन मार्केट में अगले साल 2023 में 26 जनवरी तक लॉन्च कर दिया जाएगा। हालांकि इसके प्राइस और सेल डेट को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। अगर आप भी एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं, तो थोड़ा और इंतजार आपका फायदा करा सकता है। नए ट्रिगो BX4 इलेक्ट्रिक बाइक को खास तौर पर सिटी में राइड के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। कंपनी के मुताबिक इसमें SUV जैसा कंफर्ट मिलेगा, इसीलिए इसे SUV इलेक्ट्रिक बाइक के नाम से बुलाया जाना भी गलत नहीं होगा। इसकी सीट न सिर्फ चौड़ी है बल्कि इसमें आराम भी काफी अच्छा मिलेगा। आइगोवाइज मोबिलिटी के CEO श्रवण अप्पा ने कहा है कि ट्रिगो BX4 वास्तव में भारत के लिए बनाई गई एक स्मार्ट SUV है। हमारा प्रोडक्ट भारतीय सड़कों की स्थिति और भारतीयों के उपयोग के पैटर्न को देखते हुए भारतीय इंजीनियरों द्वारा बनाया गया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को सिंगल बैटरी के 3 अलग अलग वेरिएंट में पेश किया जाएगा। वहीं अगर प्राइस की बात करें तो इसकी कीमत 1,00,000 रुपए से शुरू होगी। इसके अलावा कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर जानकारी दी है कि पहले 5,000 ग्राहकों को एक्सटेंडेड वारंटी, फ्री एक्सेसरीज, गारंटी रीसेल एंड बायबैक ऑप्शन जैसे एक्सक्लूसिव बेनिफिट का लाभ मिलेगा। ट्रिगो BX4 इलेक्ट्रिक स्कूटर को सिंगल चार्ज कर 145 किलोमीटर की रेंज प्राप्त की जा सकेगी। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक बाइक की टॉप स्पीड 75 km/h हो सकती है। इसके अलावा इसमें 15 AMPH हाइपर फास्ट ऑनबोर्ड चार्जर भी मिलेगा जिसे किसी भी मौजूदा पोर्ट में प्लग इन कर इसे चार्ज किया जा सकेगा, लेकिन चार्जिंग में कितना समय लगेगा इस बात का खुलासा होना बाकी है। वहीं यह भी दावा किया गया है कि इलेक्ट्रिक बाइक में कम स्पीड पर सेल्फ स्टेबिलाईजेशन दिया जाएगा और हाई स्पीड में बेहतर स्थिरता के लिए इसमें इंटेलिजेंट ऑटो स्विवलिंग फीचर मिलता है जिसमें इंटेलिजेंट स्मार्ट चार्जिंग फीचर भी होगा। तो दोस्तों ये थी टॉप 3 फीचर्स एक इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।